वैसे बड़ी शर्म वाली बात है कि किसी के पास भी कैश नहीं निकला। ओ तेरी खैर, टोगी ने हमारे साथ रेस लगा ली है, हमसे आगे आगे जा रहा है यार। ओ बस छोड़ दे, अंदर ना आ जाए। नहीं अंदर नहीं आता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक ठाक है ना? दरअसल भाई अभी मैं फ्रेश हुआ हूँ क्योंकि आज सारा दिन अपना बहुत बोरिंग गुजरा है। बोरिंग से मुराद यह है कि कभी कभार एक दिन आपका ना महीनों में, तो आपका तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरा कुछ ऐसा गुजरता है कि मेरा दिल करता बस लेटा रहूं और खाता पीता रहूं और मूवीज या कुछ सीजन वगैरह देखता रहूं। बस यही जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और दिल करता है कि काश इस तरह के ना 365 दिनों में से 365 दिन हो जाए ना, मतलब ऐसे लमलेटियां मार रहा हूँ, खा रहा हूँ और साथ साथ सीजन देख रहा हूँ, मतलब चस्सी आ जाती है। लेकिन आज वही शैतान की बातों में आकर ना मैंने अपना खाना खराब कर लिया कि सारा दिन ऐसे ही लमलेटियां मार मार के वेस्ट कर लिया। और अभी मुझे शाम के टाइम मैं ना उठा हूँ, नहाया तो मुंह शूट होया, उसके बाद अभी कपड़े शपड़े पहने हैं तो मुझे होश आई है कि भाई व्लॉग बना लूं मैं अभी। ये सही काम नहीं चल रहा, इधर सही काम नहीं चल रहा। ये मेरे वॉलेट से पैसे क्यों निकाल रहे हो तुम? दो इधर पैसे, पैसे दो, पैसे दो, पैसे पैसे दो, मेरे पैसे दो। ये मेरे वॉलेट से पैसे निकाल कर ना अभी ये चोरी कर रही है। वॉलेट में अभी अपना जेब में डालता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाहर क्यों जा रहे हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरा घर में जिधर मर्जी जाओ। नहीं तुम लेने क्या जा रहे हो, कुछ बताओ तो सही। चलो ठीक है जाओ, पीछे हो मैंने पाया था। इधर हो ना। नहीं नहीं मैंने नहीं इधर रहना, तुम पीछे हो ना। मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रही, मतलब कमरे में क्यों बंद किया है? पीछे हो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? मुझे मार रहे हो। मैंने क्यों मारा है? केस कर दूंगी। मुझे बाहर जाने दे। बाहर क्यों जाना है? पीछे हो ना, लोग बैठे हुए नहीं अच्छा लगता। तो इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है भाई, मतलब अपने घर में मैं बाहर नहीं जा सकता। शोर डाल रहे हो, उनको लगना है ऐसे लड़े हैं हम। किसको लगना है? अम्मी लोगों को ऐसे लगना है लड़े हैं हम। नहीं हम लोग नहीं लड़े। ये लो अब ठीक है। अजीब लगता है इसे। यार तू पीछे हो जो, मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? ये देखो मैंने दरवाजा अभी पकड़ा हुआ लेकिन मुझे बाहर नहीं जाने दे। क्यों शोर क्यों ना डालो? अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता? तुम पीछे हो, मुझे बाहर जाने दो। यार ये क्या है? मैं कह रही हूँ मैं इसे बातें चीते कर रहा हूँ। मैं बातें चीते कर रहा हूँ, तुम मुझे बाहर जाने दो। बाहर जाने दो, एक मिनट। सर दर्द हो रहा है, सर्द बात। अच्छा मुझे बाहर नहीं जाने दे रही यार, पिछले 10 मिनट से मैं खप रहा हूँ कि मुझे बाहर तो जाने दो रूम से। एक मिनट सबर करो भैया। चलो ठीक है सबर कर। असल वजह ये थी कि जिसकी वजह से ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रही थी, शायद वो राइडर वगैरह केक लेकर आया था और ये बस चाह रही थी कि मैं रूम में ही केक लेकर आऊँ ताकि हम लोग यहाँ बैठ कर ही कट करें। और केक बहुत ज्यादा प्यारा है। रोज नया केक कलेक्शन चेक की है मेरी केक्स की। भाई तुम्हारी मौजे हैं, हम लोग क्या करें, एक हमें गरीब बंदे। 9 जनवरी को होती है ना बर्थडे, मेरे से तो उस दिन ही केक अफोर्ड हो रहा होता। तकरीबन 6-7 दिन से डेली केक कटिंग हो रहे हैं और कहीं मैं बोर ही ना हो जाऊं अपनी केक कटिंग से यार, मतलब 26 तारीख को मुझे कोई एक्साइटमेंट ही ना रहे। लो स्टोरी बना रही है। वाह भाई वाह, तुम पहले स्टोरी बना लो, बाद में मैं कट कर लूंगा। आप चेक तो करो। क्या चेक करूं? ये आपका हाथ, ये मेरा हाथ, ये दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके। इतना खूबसूरत केक है यार। जी जी बहुत ज्यादा खूबसूरत केक है। लाओ मैं कटिंग कर लूं केक की। हैप्पी बर्थडे टू मी, छठा सातवां केक काट रहा हूँ। थैंक यू सो मच यार, केक बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है आज भी मुझे। ये लो बेगम, ये लो ये लो, मजे का केक कट कर लिया। पैसे मांग रहा है बाहर कोई खड़ा होके। कौन है? केक के पैसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मांग रहा था आपदा। क्या मांग रहा है? उसने उससे चेन मांगा, उसने पैसे लाके वापस दे दिए। चीज? अच्छा अच्छा यार, वो मतलब कब्जा ग्रुप बन गए सारे घर वाले। के बकाया पैसे देने थे। आपके पास टोटल है? नहीं मेरे पास नहीं है। के बकाया पैसे देने थे और इसने लाकर सारी वापस रख ली। अभी ना मुझे एक बहुत ही मजेदार चीज मिल गई है राशन वाले कैबिनेट से, वो है रेड बुल। और ये मैंने एक ग्लास के अंदर बर्फ ले ली है, अभी इसके अंदर डालूंगा रेड बुल। इससे क्या होगा कि जो सुस्ती मुझे सुबह से छाई हुई है ना, वो कम से कम दूर हो जाएगी रेड बुल पीने से। एनर्जी ड्रिंक पीने के पास आ गई है अपुन में एनर्जी। तो अभी मैंने सोचा कि जो काम काज मैंने सारे दिन में नहीं किए, क्योंकि अगर मैं ऑफिस ना जाऊं चाहे वो आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, तो ऑफिस के काम काज नहीं होते, इसलिए अभी मैं एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद निकल आया हूँ। भाई मैं ना जरा गौर से देख रहा था साइड पर, क्योंकि एक बाइक वाला गुजर रहा है गाड़ी की साइड से, तो मैंने गौर से इसलिए देखा है कि आजकल हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के, और हालात इस तरह के खराब है कि भाईजान आपने
अपनी हिफाजत खुद ही करनी है, ये पुलिस वगैरह से आप जो वो रखते हैं ना उम्मीद, वो रखनी छोड़ दें, क्योंकि अगर आपकी एक दफा चीज चली गई तो चली गई, फिर वापस नहीं आती। अपने आप को हिफ्ज़ो ईमान में रखें, क्योंकि आजकल घरों में भी चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, और वैसे भी रोड्स वगैरह पर भी डकैती की वारदात है ना, वो भी काफी ज्यादा जोरों शोर से हो रही है। तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में एक आधा काम है वो करूंगा, उसके अलावा दो शोज भी आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ा मीटअप हो जाएगा। पैसे मिले अल्लाह की जमीन से तुम्हारे कहाँ से आ गए भाई? ना अगर यार टेबल पे पड़े थे, से मिले अल्लाह की टेबल पर थे, टेबल पर थे यार 1000 रुपए के पीछे भाई। 21000 रुपए की 1000 रुपए कहता है 21000 रुपए आज, मैं समझा शहीद कह रहे 21000 टेबल पर रखे हुए थे। जी जी टेबल पर रखे हुए थे। ठीक है बॉस करो काम काज। आप खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा फिर से करेंगे, लेकिन तब तक आप जो नंबर हम लोगों ने इसी पैसा का दिया हुआ था उसके जरिए शेख को नहीं तंग करे, वो बेचारा रात को 4-4, 5-5 बजे उठकर वीडियो कॉल अटेंड कर रहा होता है। हाँ जी ऑफिस वाले हम लोग हो गए हैं फ्री, अभी बस जाएंगे घर। जब भी ये फ्लैश लाइट चलती है ना मेरे मोबाइल की, तो मुझे वैसे कुछ नहीं नजर आता, बस ये फोन ही फोन नजर आ रहा होता है, वैसे मैं अंधा हो जाता हूँ, और बनाने के 2 मिनट बाद तक मैं अंधा ही रहता हूँ क्योंकि लाइट मेरी आंखों में पड़ रही होती है। आगे वो वारा कर दो काम आया था। वॉशरूम जाना है तुमने? कसम चुका है तो वॉशरूम जो बड़ा फिर कैमरा लेके इसके पीछे जा, वॉशरूम जाएगा, वॉशरूम जाना। चलो मैं तुम्हारे पीछे चल। केड़ा सुसु जितना गड्डी दे मेरी गैस हो जाए। तुम इस टाइम क्या इनको छोड़ने आए हो? बढ़िया चलो रोटी खान चलिए। इस टाइम तुम खिलाओगे? क्या खिलाओगे? पैसे फर्क है कोई? क्या खिलाओगे? बटकड़ा ही खाने आ गए। बटकड़ा ही? वाह भाई वाह। वैसे वे लोग कहते हैं कि बट काला हो तो मार दो। चले यार काला बट तो लाल दुआना। अच्छा किस्मत वालों की मिलते हैं। कंफर्म करता हूं कि हमें भूख है या नहीं, लेकिन लग तो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन लेट मी कंफर्म अगेन। रात के 2 बजे लग गई है भूख ये चिल्ड्रन पार्टी को भी और हम मियां बीवी को भी, तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा बटकड़ाई खाने। अब उन लोगों का 1 घंटे का सफर है अभी बटकड़ाई के लिए, सफर करते जा रहे हैं, लेकिन भूख की शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि शेख वो कॉल करके ऑर्डर दे देगा। यार मैंने कहा कड़ाई के ऊपर इतना सा मावा डाल दियो, 5 रुपए की पेप्सी, तेरा भाई सेक्सी देखकर ही चल रहा हूँ, बस गिरने लगा था अभी मैं सीढ़ियों से। आजो 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 आजो, बॉस बन गया हमारा ऑर्डर, क्या हाल है? ठीक है। हमने ऑर्डर कैसे दिया था, अपने नाम का कि मेरे नाम का? तेरे नाम? मेरे नाम का। अस्सलाम वालेकुम, दुल्कन मैं बात करूं, कैसे हैं आप? अच्छा वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अच्छा मैंने कहा मैं वैसे ही हूं, बाकी आप मुर्गा लगाओ आ रहा हूं मैं। अच्छा मैं भी हूं कि वो मुझे कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर रेडी है। खाना आ गया जी, खाना आ गया, खाना आ गया। खाना नहीं आया? कहां है? सब्जियां आई हैं। मैं समझा खाना आ गया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था यार। कितना टाइम है बॉस? और 2 मिनट। चलो बस ठीक है, 2 मिनट तो अपन सबर कर सकते हैं। ये बेस्ट हो गया सिस्टम यार, बस वो चम्मच चम्मच ला दो जल्दी जल्दी, बस खा लें हम लोग। ये आ गया चम्मच, थैंक यू। दे दो, मेरे मुंह में पानी आ गया यार। ये इसका कारोबार नहीं बंद हो रहा है यार, इसका कारोबार बंद करवा लो, रोटी का टाइम है भाई। मेरा फोन बंद हो गया, फिर रोटी बंद हो जाएगी। क्यों? वो मेरा काम बंद हो जाएगा। अच्छा मतलब इसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये दोनों पागल हो गए, ये दोनों पागल हो गए। ये भी देखो ये लोग, ये तो कहीं और साइड पे जा रहे हैं। वो जितनी देर कैश लेने गए हम लोग यहाँ बैठ कर गेम खेलते। क्या बने निकलवा कर ले आए हो पैसे? नहीं नहीं ये कैसे हो? और यार पहले बिल दे दो यार, वैसे बड़ी शर्म वाली बात है कि किसी के पास भी कैश नहीं निकला, ये एटीएम से निकलवा कर लाए हो। नोट देकर ऐसे लग रहा है पता नहीं किसी की जेब कुतर के आया है। सही बात है यार, वैसे 12 रबी अव्वल की आमद आमद है तो गलियां सजना शुरू हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो यार आज तो बेइज्जती करवा के हम लोग निकले हैं, पैसे नहीं किसी के पास निकले। आज के बाद तुम लोगों को नहीं मैंने साथ लेकर आना, तुम लोगों के पास पैसे नहीं होते। आपके पास पड़े थे? मेरे पास तो नहीं थे, मैं तो तुम लोग के सारे आया था ना, मतलब ये लोग आए थे ना घर पे कि चलो जी आओ भूख लग रही है कुछ खाते पीते हैं। मैंने कहा शायद यही खिलाएंगे। ओ तेरी खैर, टोकी ने हमारे साथ रेस लगा ली है, हमसे आगे आगे जा रहा है यार। ओ बस छोड़ दे, अंदर ना आ जाए। नहीं अंदर नहीं आता।
अभी भी पीछे ही है, पीछे ही है, पीछे ही है। रात को लेट नाइट निकलने का नतीजा देख लिया, कुत्ते पीछे बढ़ जाते हैं। औरतें हमारी गाड़ी से आगे आगे भाग रहे थे, हम लोग पीछे पीछे, हमें यही लग रहा था ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं और हम इनके पीछे चल रहे हैं। ओए होए होए होए, अभी घर पहुंचे हैं। एक बहुत ही हैरान कुन चीज मुझे नजर आई है। हम लोग जब गए थे, तुमने बाइक अंदर की थी ना? नहीं, नहीं, तब नहीं था। अली ने बाइक अंदर की थी और तब ये चीज नहीं थी। अभी हम लोग वापस आए हैं तो ये पूरा मकड़ी ने जाला बनाया है। ये जाला बनाया है, नहीं कैमरे में नहीं नजर आ रहा, ये थोड़ा सा आ रहा है, ये जाला बनाया है। ये जा रही है मकड़ी, ये यहाँ तक बना लिया है। तोड़ दूं जाला? नहीं नहीं, तोड़ना नहीं है यार। देखो साए में नजर आ रहा है जाला। हाँ साए में तो नजर आ रहा है जाला उसका। वाह भाई वाह मकड़ी, तुमने वैसे ये जाला बनाकर करना क्या है? हाँ ये जाला बनाते क्यों है? घूमने फिरने के लिए। स्टे तो उसने ये कर, ये हवाओं में उड़ते हैं, ये इतनी स्टे कर रही है, ये चल रहा है यार। वो उसने अपने घूमने की फिरने के लिए बनाया है। मुझे नहीं इतना पता कि ये जाला बनाते क्यों हैं और इनको क्यों बनाना चाहिए, इन सारी चीजों की खबर मुझे कोई नहीं है भाई। हाँ जी जनाब, अभी बस घर में थक हार कर हम लोग आ चुके हैं वापस, और अभी टाइम भी हो चुका है तकरीबन 3:30 रात की, सुबह का ही टाइम हो गया। अभी बस सीन ये है कि फ्रेश वगैरह होता हूँ और नमाज शमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज पढ़ कर सो जाऊंगा, फिर सुबह उठेंगे, फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की तादाद भी कम हो गई है और लाइक की तादाद भी कम हो गई है, अच्छे अच्छे कमेंट्स की तादाद भी कम हो गई है। हेटर्स काफी ज्यादा मंडरा रहे हैं, लेकिन हमारे जो लवर हैं वो बहुत कम कम मंडरा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो भाई? शो योर लव, सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन। ओके बाय, टेक केयर, लव यू। Sell myself short, 'cause I know you see me on the come up, big girl with big dreams.